हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SS कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में सेल काउंटिंग के सभी फॉर्मुलों का यूज़ करना, जैसे काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंटिंग फॉर्मूले का यूज़ करना। दोस्तों, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारा है डेटाबेस बना है एम्प्लॉय सेल्स डिटेल का, जहाँ पर सीरियल नंबर दिया है, मतलब कितने एम्प्लॉई हैं वो सीरियल नंबर दिया है, सेल्समैन उनके नाम क्या है, सेल उन्होंने सेल कितनी की है, इंसेंटिव मतलब कितना उन्हें इंसेंटिव मिला है, और सैलरी उनकी सैलरी क्या है, एंड टोटल सैलरी यहाँ पर टोटल सैलरी क्या है। और जहाँ जहाँ नो लिखा है, नो का मतलब यहाँ पर है कि उन्हें सैलरी नहीं मिली, ना उन्हें इंसेंटिव मिला है ना उन्हें सैलरी मिली, इसलिए हमारा यहाँ पर क्या आया, नो आया। और जहाँ जहाँ हमारा सैलरी दिया है, तो वहाँ पर यह हमारा 3200 रुपये और 12000 रुपये, इन दोनों को प्लस कर दिया हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर 15200। इसी तरह सब में प्लस किया गया, मतलब इंसेंटिव और प्लस सैलरी, यहाँ पर टोटल सैलरी हमने दिया है। और उसके बाद यहाँ पर जो नो दिया है, ये हमारा क्या है, जिन्हें सैलरी नहीं मिली। अब आते हैं सबसे पहला फार्मूला। सबसे पहला फार्मूला हमारा यहाँ पर है काउंट, काउंट ओनली नंबर सेल, मतलब ये सिर्फ उन्हीं सेल को काउंट करता है, उन्हीं सेल को काउंट करता है जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं। अब नंबर्स पे आए, जैसे यहाँ पे टोटल सैलरी वाले कॉलम में आते हैं, तो आप देखो यहाँ पर हमारा क्या है, नो भी लिखा है और नंबर भी लिखे हैं, नो भी लिखा है और फिर नंबर लिखे, तो हमें इनमें से काउंट करना हो सिर्फ उन सेल को जिसमें नंबर लिखा है, मतलब जहाँ जहाँ नो लिखा है हम चाहते हैं वो काउंट ना हो, और जहाँ जहाँ नंबर लिखा है वो हमारा काउंट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे काउंट फार्मूला, इक्वल साइन, और यहाँ पर लिखते हैं काउंट फार्मूला, जैसे काउंट फार्मूला, और यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू 1, वैल्यू 2, मतलब आप इसको दो तरह से यूज़ कर सकते हो। अगर आप वैल्यू अलग अलग देना चाहते हो तो कॉमा लगाते हैं, वैल्यू 1 या वैल्यू 2 भी दे सकते हो, पर हमें यहाँ पर एक साथ पूरी रेंज देना है, तो एक साथ पूरी रेंज आपको दे देना है। यहाँ पर है तो पूरा यहाँ से सेलेक्ट कर लिया इस तरह में, फिर यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देना है और फिर यहाँ पर एंटर। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आया, 22, मतलब 22 ऐसी सेल्स हैं जहाँ पर नंबर लिखा है, बाकी सेल में हमारा क्या लिखा है, नो नो लिखा है। और यहाँ पर टोटल सेल देखें हमारी कितनी, टोटल सेल हमारी यहाँ पर 32 सेल है, क्योंकि यहाँ पर सीरियल नंबर में हमारे लास्ट सीरियल नंबर क्या है, 32 हमारा यहाँ पर है। और यहाँ पर जो हमारा आंसर आया वो हमारा क्या आया, 22, मतलब 10 ऐसी सेल हैं जहाँ पर नो नो मतलब टेक्स्ट वहाँ पर लिखा है। तो काउंट फॉर्मूला हमारा कौन सी सेल को काउंट करता है, जिन सेल में सिर्फ नंबर लिखे होते हैं। दूसरे फार्मूले पे आते हैं, तो दूसरा फार्मूला है काउंट ए, काउंट नंबर एंड टेक्स्ट सेल, मतलब काउंट ए फार्मूला हमारा नंबर को भी काउंट करता है और टेक्स्ट को भी काउंट करता है। जैसे इससे पहला वाला फार्मूला आपको बताया काउंट फार्मूला, काउंट फार्मूला सिर्फ नंबर को काउंट किया। अब मान लीजिए हमें इसी टोटल सैलरी वाले कॉलम में हमें जहाँ जहाँ नो लिखा है उसे भी काउंट करना है, और जहाँ जहाँ पर हमने सैलरी अमाउंट दिया है वो सैलरी भी हमें प्लस करना है, मतलब दोनों चीज़ें वैल्यू हमें यहाँ पर प्लस करानी है, हमें नंबर भी यहाँ पर प्लस कराना है, और जो हमने टेक्स्ट लिखा है नो लिखा है हमें वो भी यहाँ पर साथ में देखना है, हमें देखना हो टोटल यहाँ पर कितने लोगों को हमने सैलरी दी। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इक्वल साइन, यहाँ पर काउंट ए ब्रैकेट लगाना है, और यहाँ पर भी हमें क्या देना है, पूरी रेंज हमें दे देना है, ये सेलेक्ट कर लेना है, फिर ब्रैकेट बंद कर देना है और फिर एंटर। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आया, 32 आया। 32 आप देख सकते हैं यहाँ पर, 32 हमारा सीरियल नंबर में भी यहाँ पर दिया है, और वही आंसर हमारा यहाँ पर भी आया। तो काउंट ए फार्मूला हमारा नंबर एंड टेक्स्ट दोनों सेल को काउंट करता है। फिर आते हैं तीसरे फार्मूले पर, काउंट ब्लैंक, जैसे नाम ही से हमारा क्या है, काउंट ब्लैंक ब्लैंक सेल को काउंट करता है। तो ये हमारी कौन सी सेल काउंट करता है, जो सेल ब्लैंक हो, मतलब जिस सेल में अगर हमारा कुछ भी नहीं लिखा है, ब्लैंक सेल हो, तो हमारा काउंट ब्लैंक फार्मूला सिर्फ उन्हीं सेल को काउंट करता है। जैसे अगर यहाँ पर हम सैलरी अमाउंट पे आए, सैलरी या इंसेंटिव पे भी आए, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ यहाँ ब्लैंक सेल है। अब हमें अपने डेटाबेस में देखना हो कि वहाँ पर कितनी ब्लैंक सेल है। अब यहाँ पर हमारा डेटाबेस कितने लोग हैं, 32 लोग हैं। आपका डेटाबेस अगर ज़्यादा भी हो, मान लो 100, 200, 300, 500 लोगों का डेटाबेस हो, जितना भी ज़्यादा डेटाबेस हो, तो वहाँ पर भी आप काउंट, काउंटे, काउंट ब्लैंक और काउंटे फार्मूला लगा सकते हो, और वहाँ पर ब्लैंक सेल को आपको काउंट करना है तो भी आप आसानी से काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पर ब्लैंक सेल हमारी यहाँ पर भी मैनुअली अगर हम गिनने जाए तो यहाँ पर बहुत टाइम हमें लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, काउंट ब्लैंक फार्मूला हमें यूज़ करना है, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा यहाँ पर कितनी ब्लैंक सेल हैं। तो यहाँ पर इक्वल साइन लगाते हैं, यहाँ पर काउंट ब्लैंक फिर ब्रैकेट लगाना है, और भी हमें यहाँ पर क्या देना है, रेंज देना है। तो यहाँ पर आते हैं, पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इस तरह सेलेक्ट कर लेना डेटाबेस पूरा, फिर ब्रैकेट बंद और यहाँ पर एंटर।
यहाँ पर आंसर क्या आया, 10, मतलब 10 ऐसी सेल हैं जो यहाँ पर ब्लैंक सेल हैं। तो इसी तरह आप ब्लैंक फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हो। फिर आते हैं काउंटिंग फार्मूले पर, काउंटिंग सेल बाई सिंगल कंडीशन, मतलब अगर आप एक सिंगल कंडीशन के अनुसार सेल को काउंट करना हो तो वहाँ पर हम काउंटिंग फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। मतलब अभी तक जितने भी फार्मूले हमारे काउंट हो गया, काउंट ए हो गया, काउंट ब्लैंक हो गया, यहाँ पर हमारी कंडीशन नहीं आती, यहाँ पे उनका काम पहले से डिफाइन है। अब यहाँ पे काउंटिफ में आए तो यहाँ पर हम कंडीशन दे सकते हैं। अब कंडीशन में आए तो कंडीशन यहाँ पर जैसे हमारा सैलरी अमाउंट ही दिया है। अब सैलरी में हमारा यहाँ पर 15,000 भी है, 20,000 भी है, 30,000 भी, बहुत सारा सैलरी अमाउंट हमारे अलग हो सकते हैं। आपने भी अगर कोई डेटाबेस बना रखा है उसमें भी अलग अलग सैलरी अमाउंट हो, यही नहीं कोई और सैलरी अमाउंट वहाँ पर जो भी आपने दिया हो सैलरी अमाउंट वहाँ पर हो। अब आप चाहते हो कि यहाँ पर एक कंडीशन हम लगा दें। कंडीशन हमारी तीन तरह से हो सकती, ग्रेटर देन, लेस देन और तीसरा इक्वल। मतलब इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आप दे सकते हो। आप चाहो तो ग्रेटर देन लगा सकते हो, मतलब उससे बड़ी वाली वैल्यू इस वहाँ पर बताए, काउंट लेस देन उससे छोटी वाली वैल्यू, या इक्वल उसके बराबर वाली वैल्यू। तीनों तरह से हमारा यूज होता है। तो यहाँ पर आते हैं काउंट इफ, और यहाँ पर इक्वल साइन, और यहाँ पर लिखा काउंट इफ। जैसे ही काउंट इफ यहाँ पर लिखते हैं तो नीचे हमारे यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर रेंज और क्राइटेरिया। रेंज का मतलब क्या होता है, जो भी आपको डेटा आपको देना है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। क्राइटेरिया का मतलब होता है कंडीशन। तो यहाँ पर जो भी कंडीशन आपको देना हो, जैसे हमने बोला अभी ग्रेटर देन, लेस देन, या इस वहाँ पर इक्वल साइन, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन जो आप देना चाहो आप वहाँ पर दे सकते हो। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या देना है, रेंज। तो हमने रेंज यहाँ से सेलेक्ट कर ली, फिर यहाँ पर कॉमा लगाना है। अब कॉमा लगाने के बाद जो भी कंडीशन आपको देना है वो यहाँ पर डबल यूनिट कॉमा के अंदर देना है। तो यहाँ पर डबल यूनिट कॉमा लगाया, और यहाँ पर ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन हमने यहाँ पर दे दिया 18,000। मतलब यहाँ पर उन्हीं सेल को काउंट करो जहाँ पर 18,000 से ज़्यादा वैल्यू लिखी हो। तो यहाँ पर आते हैं, एंटर किया, और जैसे एंटर किया तो यहाँ पर हमारा क्या है, जीरो दिखा रहा। मतलब ऐसी सेल हमारी अभी यहाँ पर नहीं। अब मान लीजिए यहाँ पर थोड़ी वैल्यू और कम कर दें, जैसे हमने यहाँ पर 18,000 लिखा, यहाँ पर हमने लिख दिया 15,000। इसी तरह अगर आपका कोई अमाउंट वहाँ पर नहीं आता है, मतलब अगर आपने वैल्यू लिखी वहाँ पर जीरो आ रहा, मतलब वैसी कोई सेल वहाँ पर है ही नहीं जहाँ पर 18,000 से ज़्यादा लिखा हो, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। अब दोबारा से वैल्यू हमने यहाँ पर कम कर दी, क्या है 15,000, तो 15,000 से ज़्यादा हमें देखना, तो यहाँ पर 6 सेल ऐसी हैं जहाँ पर 15,000 से ज़्यादा वैल्यू लिखी। इसी तरह चेंज करना हो आपको इक्वल लगाना हो, तो हमने कहा इक्वल में हमें यहाँ पर बताओ 14,000 से हटा देते हैं पहले, 400 की कितनी सेल है, तो 14,400 वाली 8 सेल है। तो इसी तरह आप इक्वल भी लगा सकते हो, ग्रेटर देन भी लगा सकते हो, या लेस देन लगाना है तो आप लेस देन लगा दो। यहाँ पर इक्वल लगाना नहीं पड़ता है, इक्वल आपको खाली वैल्यू वहाँ पर लिख देना है। तो इक्वल हमने खाली बताने के लिए किया था कि आप इक्वल की भी वैल्यू ला सकते हो, वहाँ पर इक्वल लगाना नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर लेस देन हमने कर दिया कि 14,000 इससे लेस देन आ दी, तो कितनी सेल है, 5 सेल। तो इस तरह आप वहाँ पर लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल, इन तीनों में से भी चेक करना तो आप काउंटिंग फॉर्मूले की मदद से कर सकते हो। दोस्तों अगर आपका इस तरह में काम है जहाँ पर आपको सेल काउंट करना होता है, तो इन चारों फॉर्मूले का काम आपको आसानी से कर सकते हो, और इनसे आप अपने काम को आसान कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके मन में एक्सेल से जुड़े कोई भी सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इसी तरह हम एक्सेल के और भी वीडियोस बनाते रहेंगे, इसलिए हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मिलती रहे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले। धन्यवाद।